इस बीच में तमाम व्यवस्थाओं और सुरक्षा के बावजूद क्वारंटीन सेंटर से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि क्वारंटीन सेंटर में भदोही में एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि करंट की चपेट में आने की वजह से एक युवक की मौत हुई है, वही क्वारंटीन सेंटर में। मुंबई से आकर के पंचायत भवन में इस शख्स को क्वारंटीन किया गया था। चोरी इलाके के परोपुर अमुआ की यह घटना बताई जा रही है जहां पर एक शख्स की मौत हुई है। दरअसल भदोही का ये एक क्वारंटीन सेंटर है जहां पर लोगों को क्वारंटीन किया गया था, मगर एक शख्स जो कि अपनी जिंदगी से आज हाथ धो बैठा, बताया ऐसा जा रहा है कि दरअसल करंट लगने की वजह से इस शख्स की मौत हुई। मुंबई से यह शख्स आया हुआ था। जो लोग प्रवासी मजदूर हैं या जो दूसरे हैं उनको उन जगहों पर उन क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया जा रहा जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण मिल रहे हैं, और ऐसे में भदोही के इसी क्वारंटीन सेंटर में इस शख्स को रखा गया था। शैलेंद्र शुक्ला हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्वारंटीन सेंटर में तो तमाम व्यवस्थाएं की जाने की बात की जाती हैं, वहां पर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी असुरक्षा कैसे कि करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई? ये बहुत ही संदेहास्पद मामला खुल के सामने आ रहा है। मुंबई से अचानक आकर पंचायत भवन में जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था उसकी विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हुई। बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है। तमाम दावों के बाद भी इस तरह की स्थिति बन के आ रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।